हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ इन रोल्स रॉयस गाड़ियों के साथ अपने चैनल ब्लॉग अब्रॉड पर। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आई हुई हूँ दुबई के JBR एरिया में, जहाँ पर ये सारी हाई एंड गाड़ियाँ बड़े बड़े होटल्स के सामने खड़ी होती हैं। इन्हें आप रेंट कर सकते हैं, कुछ ओनर्स की खुद की होती हैं। तो मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको शौक़ है बड़ी गाड़ियों में घूमने का, तो आप इनका रेंट देकर एक दिन के लिए इनमें घूम सकते हैं। और रोल्स रॉयस इतना अच्छा चीज़ है कि आप लोगों को दिखाना तो बनता ही था। और ये एरिया भी देखिए कितना खूबसूरत है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मैंने आप सभी के लिए कैप्चर किए हैं। ये जो येलो कार है ना, ये लैम्बोर्गिनी है। और एक बार हम घूम रहे थे बीच पर, तो एक कपल है, उन्होंने शादी दुबई में की थी, तो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए उन लोगों ने रोल्स रॉयस रेंट पे ली थी और फ़ोटोशूट उसके इर्द गिर्द कर रहे थे। इस एरिया में सारी हाई एंड गाड़ियाँ ही दिख रही। मेरे पीछे जो खड़ी ये एक मैकलेरन है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी ये कार। अगर आपने पहले मैकलेरन देखी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीछे जो आप एक होटल देख रहे हैं ना, रिक्सॉस, हम आज वहाँ आए हुए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड किसी काम से ही आए हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत होटल है, पर क्योंकि हम वहाँ स्टे नहीं कर रहे, वहाँ के हम गेस्ट नहीं हैं, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। क्या पता अगर वो लोग माइंड करें। इसलिए मेरे पीछे ये जो रेड कार आप देख रहे हैं ना, ये फरारी है। यहाँ पे सारी बहुत हाई एंड गाड़ियाँ ही खड़ी हुई हैं। ये पीछे जो ग्रे कलर की आप गाड़ी देख रहे हैं, ये वाली, ये है रोल्स रॉयस। अगर आपको रेड कलर की फरारी देखनी है तो आई थिंक, मुझे लगता है सबसे सुंदर फरारी होती है। यहाँ पे जो फरारी वर्ल्ड है ना, वहाँ पे भी रेड कलर की फरारी का ही लोगो है। दैट मीन्स इट इज़ द बेस्ट। जैसे मेरे पीछे ये जो रिक्सॉस होटल है ना, सेम ये मोवेनपिक होटल है। ये मतलब बहुत प्रीमियम होटल्स वाला जो एरिया है ना, JBR का, उस एरिया में हम आए हुए हैं आज। वैसे तो मैं भगवान की कृपा से फॉरेन में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी जिस एरिया में मैं आई हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोप के एरिया में है। बहुत ही अच्छा एरिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी वीडियो कैप्चर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है दुबई का। वैसे देखा जाए तो दुबई का हर एरिया अपने आप में अलग और उसकी एक अलग खूबसूरती है। जैसे अपने इंडिया में ओला होती है, उबर होता है, वैसे यहाँ पे करीम है। तो ये मतलब ऑनलाइन आप कैब बुक कर सकते हैं, और ये करीम पॉइंट है। जो भी गाड़ी आई थिंक आपको पिक करने आएगी, वो इस पॉइंट पे आएगी। ये जो मेरे पीछे आप बतील का आउटलेट देख रहे हैं ना, ये यहाँ का लोकल ही है, आई थिंक GCC लोकल है ये। और यहाँ पे मतलब सारी अरबिक डिशेस और बहुत सारे आउटलेट होते हैं यहाँ पे बतील के। लाइक वो बोलते हैं ना कि हमारा खुद का कुजीन है, तो ये यहाँ का कुजीन है। ये भी एक होटल की एंट्रेंस है, आई थिंक ये रिट्ज़ कार्ल्टन था, उसकी एंट्रेंस थी। ये एक राउंड अबाउट के बिल्कुल पास है। यहाँ पे लिखा है #WowJBR। और मैकडोनल्ड्स का ये बहुत ही बड़ा आउटलेट है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 360 व्यू दिखा रही हूँ इस राउंड अबाउट का, जिसके आसपास बहुत अच्छे अच्छे होटल्स और बुटीक्स हैं। Sunrise with you, getting through all the bad times with you.
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेन के उस तरफ बहुत अच्छे अच्छे बुटीक हैं, तो ये देखिए मैं इस बुटीक के पास ही घूम रही थी। और ये भी कोई रेसिडेंस ही है, मतलब ये सारा जुमेरा बीच रेसिडेंस है ना ये एरिया का नाम, तो यहाँ पे कुछ होटल अपार्टमेंट है कुछ। और जैसे अपने यहाँ जोमेटो डिलीवर होता है, यहाँ पे कालाबाग से GMC डनाली यूकॉन। ये जैसे पेरिस वगैरह में नहीं होता है साइड में होटल के बाहर ऐसे बैठने के लिए होता है, और वहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ले लेते हो, और वहीं पे शॉप्स भी होती है शॉपिंग के लिए। सेम वही एरिया है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो इतनी अच्छी जगह है, और आई थिंक हमारे पीछे से एक फरारी आ रही है। जिसको कार का शौक है ना, उसके लिए तो ये जगह जन्नत है। एक से एक सुंदर कार है, और जगह भी इतनी साफ सुथरी है कि देखकर मज़ा आ गया। जो मैं आपको स्टेयर्स दिखा रही थी ना, वो मुरजान ये जो रेस्टोरेंट सॉरी होटल है उसका था। तो ये जो सारा लिखा हुआ है ना, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस होटल में, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। जो लोग दुबई में रहते हैं ना, उनको यहाँ पे होटल बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आओ दो चार घंटे यहाँ पे बैठो। और जिनको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने का शौक़ है, उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। क्योंकि ऑफकोर्स हम सभी हर सारी लग्जरी गाड़ियाँ तो नहीं खरीद सकते, बट एटलीस्ट अगर शौक है तो देखना तो ज़रूर चाहिए। तो बस इसीलिए मेरे लिए तो ये जगह बहुत अच्छी रही, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कि ना सारे एरिया में पेड पार्किंग ही होती है, और ज़्यादातर पार्किंग की कीमत आई थिंक 4 to 8 दिरहम के बीच में ही वेरी करती है। और यहाँ क्योंकि यह बहुत हाई एंड एरिया है, यहाँ पे पार्किंग का चार्जेस है 30 दिरहम। ये जो मंजारी ब्रांड है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा है। और ये ज़ारा होम्स, ज़ारा की मैंने ड्रेस वाला तो देखा है, ज़ारा होम्स कभी भी नहीं देखा था, यहाँ फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और फिर ये सेम रेस्टोरेंट्स, और आगे भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं रोल्स रॉयस एंड ऑल। ये सिगरेट का और गार्बेज बिन भी क्या आर्टिस्टिक बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 2 रोल्स रॉयस और एक मैसराटी, लेट्स चेक कौन सी गाड़ी है, वो मर्सिडीज है। वो सारी यही सारी चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पे वही सेम मास्क, वैसे तो जो फॉरेन से आए हैं वो लोग नहीं लगा कर रखे हुए हैं, बट हम क्योंकि दुबई से हैं और हमें डर है कि कोई अगर फाइन आता या कुछ भी, तो उसके लिए मास्क ज़रूर है, तो इसलिए मैं बार बार मास्क लगा रही हूँ, कभी हटा रही हूँ। यहाँ आए काफ़ी टाइम हो गया है, और घूमकर भी बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है, ताकि आप लोगों भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें इन्जॉय करें। तो आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।